जो आदमी पुराण का एक श्लोक नहीं बोल सकता वो कैसे मंदिर का स्थापना कर सकता है, हमको तो ये बात समझ में नहीं। वास्तव में आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्थापना करने जा रहे हैं तो राम नवमी से अच्छा कोई राम के लिए दिन नहीं। राम के नाम पर पैसा कमाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है प्रभु श्री राम जी का, कैसे देखते हैं इसको? प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो अभी तो मंदिरे पूर्ण नहीं हुई तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा का क्या आवश्यकता पड़ गई सरकार को। सबसे बड़ी बात है कि जब शंकराचार्य उसको परमिशन देने से इनकार कर गए हैं, शंकराचार्य को आप धार्मिक पहरा को आप अपने अनुसार मत चलाइए जो आप अपने अनुसार चलाते रहे हैं। सबसे बड़ा चीज है कि अब तक हम लोगों ने जो अनुभव किया है, जो देखा है, जो लोगों से सुना है कि किसी भी मंदिर का स्थापना, उसका शिलान्यास मंत्रों उच्चारण के तहत होता है और इसको जो विद्वान हैं, जो धार्मिक ज्ञाता हैं, जो वेद पुराण का ज्ञान रखते हैं, जो वेद पुराण का अध्ययन करते हैं, जो वेद पुराणों पर अपना ओपिनियन देते हैं वो करते हैं। लेकिन अब तो नया बात आ गई कि अभी खंडित अभी वो मंदिर पूर्ण नहीं हुई, बिना मंत्र का जो आदमी पुराण का एक श्लोक नहीं बोल सकता वो कैसे मंदिर का स्थापना कर सकता है, हमको तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश का आप कल कारखाने का स्थापना करिए, आप उद्योग धंधे का स्थापना करिए, आप नौकरी पेशा का स्थापना करिए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना करिए, आप जो है ला कॉलेज का स्थापना करिए, आप स्टील प्लांट का स्थापना करिए, आप जूट मिल का स्थापना करिए। अब प्रधानमंत्री अगर जनादेश का खाली मंदिर का स्थापना कर रहा है, इन लोगों का क्या होगा? ये लोग इन लोगों को आप पुजारी बनाएंगे क्या कंठी दे करके? तो अब भैया हमको तो एक सब बात समझ में नहीं आ रही है। लोग आमादा हैं, अब इनको हिंदू राष्ट्र खतरे में नजर आ रहा है, इनको हिंदू धर्म खतरे में आ रहा है, इनको राम खतरे में आ रहा है। आज जबकि कहीं न धर्म खतरे में है, न राम खतरे में है, न विधि खतरा में है, न विधान खतरे में है। अगर वास्तव में आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्थापना करने जा रहे हैं तो राम नवमी से अच्छा कोई राम के लिए दिन नहीं है। आप राम नवमी के दिन सारे शंकराचार्य को बुलवाइए और अपने निर्देशन में उनसे जो है मंदिर का उद्घाटन जी स्थापना कराइए। अगर आप अपने करते हैं तो अब तो हमको बड़ा इस पे तो सवाल आता है कि मंदिर पूर्ण नहीं हुई, आप राम का स्थापना कर रहे हैं तो हमको लगता है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आप स्थापना नहीं कर रहे, आप ओट रूपी राम का स्थापना करने जा रहे हैं। ओट रूपी राम जी, जो आपको प्रधानमंत्री बनाता है, जो आपको सांसद बनाता है, जो आपको विधायक बनाता है, जो आपको मुख्यमंत्री बनाता है, उस राम का आप स्थापना करने जा रहे हैं। मेरा जो है सरकार को बहुत बहुत बधाई जी, इनका वोट वाला राम का स्थापना करने प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, इनको और इनकी सरकार को भूर भूर प्रशंसा, भूर भूर बधाई देता हूं आपके चैनल पर। खुश है कि नहीं बात जरूर? हम राम से खुश हैं। खुश है बिल्कुल, राम हमारा आस्था है, राम हमारी आवाज है, राम हमारी सोच है, राम हमारा कर्म है, राम ही जो मैं आपके सामने खड़ा हूं उसके रहमो करम पर खड़ा हूं। हम नहीं खड़ा होते अगर राम नहीं होता तो। ये राम बोल रहा है, ये कोई व्यक्ति की क्या, ये तो सब मरी हुई लाश के समान है। ये कि हम राम है, राम है और राम जो है भेदभाव नहीं करता। कहते हैं हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, राम को राम को एक सेकंड सर, राम को वो लाए हैं कि राम उनको लाए हैं? तो देखा साहब, रावण बहुत बड़ा पंडित था, वो भी
महादेव को नहीं ला पाया। रावण पंडित था, दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन महादेव को वो भी लंका में नहीं ले आ पाया। महादेव का जो मूर्ति थी वो बीच में ही स्थापित हो गई। तो अगर महादेव, अगर रावण का मामला है, तो अब आपका राम और आप दोनों आप मुबारक हो। मंदिर तो वो बनवाया है ना, कह रहे हैं कौन, उनके सरकार में बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनवाने का आदेश दिया है, देश की जनता ने एक एक रुपया इकट्ठा करके मंदिर बनवाया है। किसी के घर का, किसी के तनख्वाह का, किसी के उद्योग से उसमें पैसा नहीं लगा है, उसमें देश का एक एक सिक्का से वो मंदिर का निर्माण हुआ है। आइए, उस मंदिर में सहयोग करने के लिए आपने ट्रस्ट बना दिया, जो साधु संतों का ट्रस्ट था उसको खत्म कर दिया। आप वहां भी ब्रांडिंग करेंगे राम को, आप उसको भी उद्योग का रूप देंगे, आप राम के नाम पर पैसे कमाएंगे। ये आपका सनातन है, ये आपका हिंदू धर्म है, यही मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आपको कहा है। गलत बात, मैं इसकी निंदा करता हूं।